तीन जादुई झरने। मंदिर की सीढ़ियों से एक बूढ़ी औरत गिर गई थी। तभी उसका बूढ़ा पति रमेश, जो कि अपाहिज था, वो व्हीलचेयर पर बैठकर मदद की गुहार मांग रहा था। अरे अरे कोई तो देखो मेरी पत्नी को क्या हो गया, अरे कोई संभालो उसे, मेरे अपाहिज जैसे आदमी की मदद करो, मेरी पत्नी को कोई हॉस्पिटल ले जाओ। अरे अरे बाबा आप परेशान मत होइए, मैं आपकी पत्नी को हॉस्पिटल ले चलती हूँ। शुक्रिया बेटा, जल्दी से ले चलो। बाबा परेशान मत होइए, दादी अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी दोनों माँ बेटी एक ऑटो में उन बाबा और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहाँ डॉक्टर उस बुढ़िया के ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए मांगता है। तो रुकमणी कहती है, डॉक्टर साहब पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जितना चाहिए मैं उतना दूंगी, बस आप अम्मा जी को ठीक कर दीजिए। ठीक है, ऐसा बोलकर रुकमणी पैसों से भरा बैग डॉक्टर को इलाज के लिए देती है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहता है, मुबारक हो अम्मा जी, बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया, पर मुझे आप कुछ जानी पहचानी लग रही है। आप तो वही औरत है ना जो कुछ समय पहले इस हॉस्पिटल में आई थी, और आप पर बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो आज कहाँ से आए और इतने पैसे कि आपने इन बाबा की मदद कर दी? डॉक्टर साहब ऊपर वाले के खेल निराले हैं, उनकी कृपा से आज सब कुछ है मेरे पास, इसलिए मैं दोनों हाथ से मदद करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी अपनी व्हीलचेयर चलाकर वो बूढ़ा रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है, अरे बेटी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा ऐसा कुछ मत कहिए, बस मुझे अपनी बेटी समझिए, ये मेरा फर्ज था। गुंजन बेटा बाबा को खाना खिला दो, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है उन्होंने। जी माँ। अपनी माँ की बात सुनकर गुंजन अपने हाथ से उन बाबा को खाना खिलाती है। आखिर डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहा था कि उनके पास एक वक्त बिल्कुल पैसा नहीं था, और आज रुकमणी दोनों हाथों से मदद कर रही थी, आखिर उस पर इतने सारे पैसे कहां से आए, और इस आधी अधूरी बात की पूरी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा, जहां रुकमणी ब्लड कैंसर से पीड़ित 6 माह से थी और बिस्तर पर पड़ी थी। कभी भी उसे खून की उल्टियां हो जाया करती थी, पति पहले ही एक दुर्घटना में गुजर चुका था। वहीं रुकमणी की 9 साल की बेटी गुंजन अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अक्सर बेचैन रहा करती थी। शाम को वो फिर अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर खांसती है तो कुछ रक्त की चीटें पल्लू पर आ जाती। हे भगवान बचा ले मुझे, मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कर देना, ऐसी बीमारी देकर मेरी छोटी सी बच्ची को कौन पालेगा। माँ माँ मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, आपके मुंह से खून क्यों निकलता है, आप बेहोश भी हो जाती हैं, आपके हाथ पैर कांपते हैं, तुम मुझसे देखी नहीं जाती। बेटा मैं समझ रही हूँ तेरे ऊपर क्या बीत रही है, तू मेरे बारे में बहुत सोचती है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब, मेरी बीमारी ऐसी है कि ये मुझे ले डूबेगी एक दिन। नहीं नहीं माँ ऐसा मत कहो, मैं आपको ऐसे हालत में नहीं देख सकती, मुझे छोड़कर मत जाना कभी। बेटा हम पर इतने पैसे नहीं है कि मेरा इतना महंगा इलाज हो सके, बहुत लाखों रुपए चाहिए, और इलाज हो भी जाए तो जान बचना मुश्किल है। खांसते हुए रुकमणी फिर खून की उल्टी करती है। अपनी माँ को ऐसा कहकर गुंजन किसी ऑटो वाले के हाथ जोड़कर हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ गुंजन रोते हुए उसी डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ती है। डॉक्टर अंकल मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप उनको देखो ना, ठीक कर दो उनको, बार बार उल्टी आती है खून वाली, खांसती है मम्मी। अरे बेटा ऐसे इलाज नहीं होता, फॉर्म भरना होता है, पैसे चाहिए, टेस्ट होंगे, मैं टेस्ट तो फ्री कर दूंगा पर आगे के इलाज के पैसे देने होंगे। डॉक्टर अंकल कितने पैसे चाहिए, ठीक तो हो जाएंगी ना? टेस्ट के बाद बताता हूँ बेटा। वो डॉक्टर रुकमणी का टेस्ट कर लेता है और रिपोर्ट आने के बाद कहता है, बेटा रुकमणी के ठीक होने के चांस हैं, पर इसके लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा जिसके कम से कम 25 लाख रुपए लगेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल है ना। डॉक्टर साहब आपने मेरा फ्री टेस्ट करके मुझे थोड़ी देर राहत देकर इंजेक्शन लगा दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, चल गुंजन बेटा यहाँ से चल। दोनों माँ बेटी परेशान होकर बाहर आ जाती हैं। तभी अपने आंसू छुपाते हुए गुंजन मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है, हे भगवान मम्मी को ठीक कर दो, हम पर इतने पैसे नहीं है, कोई चमत्कार कर दो भगवान जी। तभी उस
शिव मूर्ति में से शिवजी बूढ़े व्यक्ति बनकर प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा आंखें खोलो, तुम बहुत परेशान हो। मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जिससे तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो सकती हैं। कैसा रहस्य बाबा? बेटी, यहाँ एक पहाड़ी है जहाँ से 3 जादुई झरने निकलते हैं। एक सोने का जिसमें सोना बहता है, एक साधारण झरना, तीसरा चमकते हीरों सा बहता झरना जिसमें हीरे बहते हैं। अगर तू उसमें से सिर्फ साधारण पानी लाकर बिना लालच के अपनी माँ को पिला देगी तो तेरी माँ बिल्कुल निरोगी हो जाएगी, लेकिन लालच किया तो तेरी माँ की जान भी जा सकती है। अब ये तुझे तय करना है। बाबा आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी माँ को जरूर बचाऊंगी। मुझे ये रहस्य बताने के लिए शुक्रिया। आयुष्मान भव बेटी। तभी गुंजन अपनी माँ को घर में बिठाकर उस ऊंची पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ 3 झरने वाली नदी बह रही थी। वहाँ पहुँचते पहुँचते उसके पाँव में कंकड़ चुभ जाते हैं और छाले भी पड़ जाते हैं। वो चमकती हुई झरने को देख कर कहती है, बाप रे बाप, ये तो जादुई 3 झरने बड़े ही चमक रहे हैं। अगर इनमें से मैं सोना या हीरा ले लूं, तो उससे मेरी माँ की परेशानियां दूर हो जाएंगी और ये देखकर डॉक्टर इलाज भी कर देगा। हाँ, सोना लेना ठीक है। गुंजन ऐसा कहकर सोने के पानी में से सोना लेने वाली होती है कि उसे उन बाबा की याद आ जाती है और वो कहती है, नहीं नहीं, मैं ये क्या कर रही थी। अगर मैं लालच करके सोना लूंगी तो माँ की जान को खतरा होगा, और यदि सोना देकर माँ का इलाज करा लिया तो कोई गारंटी नहीं कि वो 100% ठीक हो जाएंगी, जबकि जादुई पानी से माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हे जादुई झरने, मुझे माफ करना, मैं आपका सिर्फ साधारण पानी लेना चाहती हूँ। ऐसा कहकर उसे हीरे और सोने के जादुई झरने अपनी ओर बुलाते हैं, लेकिन गुंजन दृढ़ निश्चय होकर सिर्फ साधारण पानी लिए जब जाने लगती है तो नदी में से एक देवी प्रकट होकर उससे कहती हैं, गुंजन बेटी, मैं तुम्हारी दृढ़ संकल्प से, तुम्हारे नेक दिल से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इन 3 जादुई झरने में से सिर्फ साधारण पानी लेना जरूरी समझा, इसलिए मैं तुम्हें सोने और हीरे के झरने से कीमती आभूषण ले जाने की इजाजत देती हूँ। इन्हें बेचकर तुम अपनी अच्छी जिंदगी बिता सकती हो। शुक्रिया देवी नदी। ऐसा कहकर सोने के झरने से सोना और हीरे के झरने से बेशुमार कीमती हीरे निकलकर और साधारण पानी लिए गुंजन अपने घर पहुँच जाती है और वो पानी अपनी माँ को पिला देती है, जिसे पीते ही रुक्मणी बिल्कुल स्वस्थ निरोगी रूपवती हो जाती है और अपने चेहरे को छूकर कहती है, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई और मेरी जाइयां भी चली गई। मेरी बेटी, तूने मुझे ठीक कर दिया। सब बेटे की दुआ मांगते हैं, पर मैं कहती हूँ कि सबको तुझ जैसी बेटी ही मिले। गुंजन बेटी, तूने ये कैसे किया? तुझ पर इतना सारा सोना और हीरे कहाँ से आए? तभी गुंजन अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो कहती है, बेटा भगवान ने हमें जादुई रहस्य दिया है जिसे हम किसी को बांटेंगे नहीं, लेकिन इससे सभी गरीब लोगों की मदद करेंगे। पहले मंदिर जाकर सबको उनकी जरूरत की चीजें देते हैं, फिर हम खाना खाएंगे। ठीक है माँ। रुक्मणी उन सोने और हीरों को सुनार को जाकर बेच देती है, जिसके बदले उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, और उन पैसों से वो बहुत सारे खाने का भंडारा करती है जिससे गरीब व्यक्ति अपनी भूख मिटाता है, और गुंजन सभी को कंबल बांटती है। बहन, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को स्वस्थ रखे, जैसे तुमने सबको खाना और कंबल बंटवाए हैं। शुक्रिया, और खा लीजिए। तभी वहाँ एक बुढ़िया गिर जाती है और एक अपाहिज बुढ़ा अपनी पत्नी के लिए रोता है। रुक्मणी कहती है, बाबा परेशान मत हो, ये आपकी पत्नी जरूर ठीक हो जाएंगी, मैं अभी हॉस्पिटल ले जाती हूँ। ऐसा बोलकर रुक्मणी अपनी बेटी को लिए उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, जहां कुछ घंटों में अच्छे से उन अम्मा का ऑपरेशन हो जाता है और वो वही डॉक्टर होता है जिसने उसके फ्री टेस्ट किए थे। तभी पैसों की गड्डी देकर और उन्हें उनके घर छोड़कर रुक्मणी कहती है, बाबा अम्मा, आप दोनों को फिर कभी पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक अपनी बेटी को बुला लेना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, छोटी को खाना भी खिलाना है। ठीक है बेटा।
तभी रुक्मणी अपनी बेटी को खाना खिलाने रेस्टोरेंट में ले जाती है, उसे नए कपड़े दिलाती है और ऐसे ही उन जादुई झरने के इस्तेमाल से वो सड़क किनारे बैठे गरीब बेसहारा लोगों की वो दोनों माँ बेटी निस्वार्थ मदद करती हैं। धीमागढ़ गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था। कहने को तो बहुत सुंदर था, लेकिन उस गांव के सभी लोग गवार थे। उस गांव में किसी को भी किसी चीज की ज्यादा समझ नहीं थी। उसी गांव में रोहन अपने माता रानी और पिता मोहन के साथ रहता था। रोहन गांव के मुताबिक काफी समझदार और दिल का बहुत ही साफ इंसान था, लेकिन गांव में उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो शक्ल से काला था। और ऐसे ही एक दिन जब रोहन काम की तलाश में एक अच्छी सी कंपनी में जाता है, तब वहाँ उसे कुछ लोग देख आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे ये तो कोई मामूली कोयला नहीं बल्कि कोयला की खदान है। बेचारा रोहन उसकी बातें सुनकर अंदर से बिल्कुल टूट जाता है और बिना इंटरव्यू दिए वहां से चला जाता है और अपने घर में जाकर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देख रोहन की माँ रानी उससे बोलती है, अरे बिटवा का हो गया, आखिर तुम रो काहे रहे हो। रोहन रानी को सारी बात बता देता है और रोहन की ये बात सुनकर रानी को थोड़ा दुख होता है और उदास हो जाती है। अपनी माँ को उदास देख रोहन बोलता है, अरे माँ मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बिना मतलब के उदास हो गई। रानी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहन से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका रंग काला था। और ऐसे ही एक दिन रोहन के गांव में कुछ अंग्रेज लोग उसे गांव में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उस गांव में कोई भी टूरिस्ट गाइडर नहीं था। ये सब देख जैकलिन अपने दोस्तों से बोलती है, यहाँ पर तो कोई भी टूरिस्ट गाइड नहीं है, हम इस गांव में कैसे घूमेंगे। Yes, Jacqueline, he has no tourist guider. वहाँ पे अंग्रेजों को देख रोहन उनके पास आता है और उनसे पूछता है, Hey guys, you have come here to visit. I will take you around. हम लोगों को हिंदी में आता है, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आता तो तुम हमसे हिंदी में बात कर सकता है। Okay. थोड़ी देर बाद रोहन अंग्रेजों को अपना गांव घुमाने लगता है। 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और रोहन अंग्रेजों के साथ पूरा समय बिताने लगा। उन्हें अपने गांव के साथ साथ और भी जगह घुमाने लगा। रोहन और जैकलिन की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। रोहन अब जैकलिन को पसंद करने लगा था और जैकलिन जब भी हंसती या उससे बातें करती तो रोहन बस उसकी तरफ देखता रहता और मुस्कुराता रहता। एक दिन वो सोचता है, जैकलिन इतनी अच्छी है, क्यों ना मैं जैकलिन को प्रपोज कर दूं, लेकिन वो तो फॉरेन से है। रोहन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी जैकलिन रोहन के पास आती है और उससे बोलती है, हे रोहन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ जैकलिन बताओ, क्या बात बतानी है। वो रोहन, मैं अपने अमेरिका वापस जा रही हूँ और मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। आई होप वी विल मीट सून अगेन, एंड तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करी है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये बात सुनकर के जैकलिन अब अपने देश जा रही है, रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जैकलिन से कुछ भी नहीं बोल पाता और जैकलिन उसके हाथों में कुछ पैसे पकड़ा कर कहती है, रोहन ये कुछ डॉलर्स रख लो, तुम्हारे काम आएंगे और तुम अपना एक टूरिस्ट स्पॉट खोलो जिससे कि लोग बाहर से आकर तुम्हारे टूरिस्ट स्पॉट पर रुक सके, इससे तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा चल जाएगा। रोहन बोलने ही जा रहा था अपने दिल की बात, इतने में जैकलिन उसको एक बार गले लगाती है और वहां से चली जाती है। रोहन बेचारा उसके जाने के बाद बहुत ही रोने लगता है और ऐसे ही अब 6 महीने बीत जाते हैं और रोहन ने जैकलिन की बात मानकर एक टूरिस्ट स्पॉट खोल लिया। वहां पर अब आए दिन फॉरेनर्स आया करते और रोहन के टूरिस्ट स्पॉट पर रुक जाते। रोहन फॉरेनर्स को अच्छे से गाइड करता और इस तरह रोहन की अच्छे से कमाई होने लगी। लेकिन रोहन आज भी जैकलिन को याद करता था। वहीं दूसरी तरफ जैकलिन भी रोहन की यादों में रहने लगी। जैकलिन रोहन के बिना रह नहीं पा रही थी और ऐसे ही एक दिन रोहन के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो कौन? हेलो रोहन, मैं जैकलिन बोल रही हूँ।
जैकलिन की आवाज सुनकर रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था और एक बार फिर जैकलिन उससे बोलती है, हमारा इंडिया आने का प्लान है और तुम्हें गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि इस बार मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे डैडी आएंगे। हाँ हाँ जैकलिन, तुम जब भी आओगे मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा, क्योंकि तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। तुम मेरी लाइफ में सबसे अच्छी दोस्त बनी हो और मेरी लकी चाम भी हो। दोनों ने आपस में बात करके फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और इस तरह रोहन अब खुश रहने लगा। ये देख उसके पिता मोहन रानी से बोलते हैं, अरे भगवान देखो तो हमारा बेटा कितना खुश है, इसे कहीं कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई। क्योंकि जब लड़का इस तरह खुश रहने लगे और उसके फोन पर ज्यादा कॉल आए तो उसकी लाइफ में जरूर कोई ना कोई लड़की होती है। इतना बोलकर मोहन और रानी हंसते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं और अगली सुबह जैकलिन अपनी डैडी के साथ इंडिया के एयरपोर्ट पर आ जाती है। जैकलिन रोहन को फोन करके एयरपोर्ट पर बुलाती है, रोहन वी रीच द एयरपोर्ट, जल्दी से यहाँ आ जाओ। ठीक है मैं अभी आता हूँ। जैकलिन और जैकलिन के डैडी एयरपोर्ट पर रोहन का इंतजार करने लगे कि तभी वहाँ एक वैन आती है और जैकलिन से उस वैन में बैठा हुआ ड्राइवर बोलता है, आप जैकलिन हो, आपके लिए रोहन ने वैन भेजी है, आप इस वैन में बैठ जाइए, मैं आपको रोहन सर के टूरिस्ट स्पॉट पर ले जाऊंगा। ये सुनकर जैकलिन उस वैन में बैठ जाती है। ड्राइवर जैकलिन को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन एयरपोर्ट पर पहुंचकर जैकलिन का इंतजार कर रहा होता है। एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए काफी देर हो चुकी थी लेकिन उसको जैकलिन कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये देख रोहन को थोड़ा शक होता है कि तभी उसे वहां एक कड़ा गिरा हुआ दिखाई देता है। वो कड़ा देख करके रोहन खुद से बोलता है, ये कड़ा तो जैकलिन का है, ये कड़ा जैकलिन को मैंने गिफ्ट किया था। इसका मतलब ये है कि जैकलिन यहाँ पर आई थी लेकिन वो जा कहाँ सकती है। रोहन थोड़ा परेशान हो जाता है और वो अपने फोन से जैकलिन का फोन ट्रैक करने लगता है। फोन ट्रैक करते हुए वो एक खंडहर के पास पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि एक खंडहर के पास जैकलिन के डैडी को कुछ गुंडों ने पकड़ रखा है और वो गुंडे जैकलिन को छेड़ रहे हैं। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है और जैकलिन को गुंडों से छुड़वा देता है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और उन गुंडों को पकड़ लेती है। ये सब देख जैकलिन के डैडी बहुत ही खुश हो जाते हैं, जिसके बाद जैकलिन अपने पिता से बोलती है, पापा मैं इन्हें पसंद करती हूँ और इनसे शादी करना चाहती हूँ और ये बात मैं रोहन से भी बोलना चाहती थी, इसीलिए मैं आपको इंडिया लेकर आई थी। जिसके बाद जैकलिन के पिता रोहन के घर जाते हैं और उसके माता पिता से बात करके उन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी होने के बाद रोहन काफी खुश रहने लगता है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और इस तरह रोहन और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान काला हो या गोरा, उसको बस अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, फल अपने आप उसे मिल ही जाता है। वल्लभगढ़ गांव में आज शादी का खुशनुमा माहौल छाया हुआ था। आखिरकार लीलावती आज अपने पांचों बेटों की शादी जो कर रही थी, जिसे देखकर लीला की सालों पुरानी सहेली रज्जो कहती है, क्या बात है लीला, आज तो तेरा चेहरा चकमक के जैसे चमक धमक रहा है। अरे ये भी कोई कहने पूछने की बात है, आखिरकार आज मैं इकट्ठे पांच बहुओं की सास बनने जा रही हूँ, अभी तो मेरा चेहरा चमक रहा है मगर कल से मेरे घर का फर्श भी शीशे के जैसे चमक उठेगा जब मेरी पांचों बहुओं के हाथ पांव इस घर में पड़ेंगे। दरअसल पांच बहुओं की आड़ में लीला देवी के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वैसे तो वो खोजने निकली थी बाई, मगर फिर उनके नजर अपने बेटों के चेहरों पर घिर गई। फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह का पैतरा आजमा के लीलावती बन गई पांच बहु रश्मि रजनी पूर्वी परिणीति और सीता की इकलौती सास। आओ आओ मेरी पांच परिंदो, इस नए बसेरे में तुम्हारा स्वागत है। शादी ब्याह के भागदौड़ में थक गई होगी, जाओ जाकर आराम फरमाओ क्योंकि कल से तो ये आराम हराम हो जाएगा। इसी के साथ लीलावती की बहू कमरे में सोने चली जाती हैं। अगली सुबह लीला घर में टंगी घड़ी की ओर निहारती हुई अपनी बहुओं के कमरे में ताका झांकी करते हुए कहती है,
शादी के पहली सुबह ही इनका ये हाल है। सवेर के 7 बजे तक भी इनके सुख भुगाने की आहट नहीं। काफी देर बाद पांचों बहू अपने कमरे से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती हैं, जिसे देखकर सास के ताने शुरू हो जाते हैं। अरे कम वक्त तो ये कोई बखत है नई नवेली बहू के जागने का? इतनी देर सवेर से जाग कर सोफे पर पसर गई, पांचों हाथ पांव हिलाने डुलाने का मन नहीं है क्या? मगर सासू माँ, अभी तो हमारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। माँ ने कहा था बगैर हाथों की मेहंदी छूटे बहू काम नहीं करती। तेरी माँ की सीख गई तेल लेने। जल्दी से पाचे उठो और काम पर लग जाओ। शादी के कारण सारा घर बिखरा हुआ है। बाथरूम बारात भर के कपड़ों से भरा है। 2 लुगाई लेते धो और 2 सफाई में लगो। और तू सीता बहू, कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर दे। फिर क्या था, पांचों बहू एक ही सुरताल के साथ कामों में लग जाती हैं। माँ जी, सारा काम सफाचट हो गया। शाबाश, ये हुई ना बात, सर्वगुण संपन्न बहुओं वाली बात। अरे सीता बहू, तेरा तामझाम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? खीर बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी? जरा जल्दी कर। सीता बड़े से बाउल को अपनी सास के सामने परोस देती है। तभी लीलावती बड़ी बड़ी आंखें किए कहती है, अरे बहू, ये खीर को हल्दी कब से लगने लगी? माँ जी, ये खीर नहीं बल्कि मैगी है। इसके सिवा मुझे और कुछ पकाना आता कहाँ है? बेचारी सास की आस पर पानी फिर जाता है। जिस मारे वह माथा पकड़कर जमीन को निहारती है, तभी उसे सोफे के नीचे कूड़े का ढेर नजर आता है। अरे रश्मि और रजनी बहू, ये किस उलझुल तरीके से सफाई की है तुम पुअरों ने? घर के कोने कोने में कचरा नजर आ रहा है। अरे नजर झुकाकर निगाह तो दौड़ा लेती। माँ जी माफ करना, मगर हमें ताका जाकी करने की आदत नहीं। हाय री मोरी मैया, मैंने तो सोचा था कि 5 बहू आ जाने से मेरा घर स्वर्ग के जैसे निखर सवर जाएगा। क्या पता था कि 5ों पनौती निकलेंगी। किसी को सफाई नहीं आती तो किसी को खाना पकाना नहीं। अब मुझे खुद ही इन खच्चरों को खाना पकाना और घर संभालना सिखाना होगा। लीलावती अपनी 5ों बहुओं को ससुराल का काम काज सिखाने लगती है। इस बीच 1 सप्ताह का समय बीत जाता है। तो मेरी 5ों बहुओं, तुम तैयार हो ना? आज तुम 5ों का ट्रायल है। जो सफाई के साथ अपना काम करेगा उसे सर्वगुण संपन्न बहू का ताज मिलेगा। जी माँ जी। फिर 5ों बहू काम में लग जाती है। कोई बहू लोट पोट होकर सफाई करती, तो कोई बर्तन मांजती, तो कोई खाना पकाती, और लीला हॉल में लगे घड़ी पर निर्धारित समय पूरा होते ही पहुंच जाती है सभी के कामों का दौरा करने। सबसे पहले रसोई घर का रुख करती हूँ। हाय रे मेरे फूटे करम। अरे ओ करम जली, ये खाना है या कोयला? जली हुई रोटी, अधपके चावल और सब्जी में तो मसालों की भरमार है। क्यों री रश्मि बहू, ये किस हिसाब किताब से बर्तन मांजे हैं तूने? मेरे सारे महंगे कप तोड़ फोड़ डाले। माँ जी, इट्स नॉट माय मिस्टेक। कप मेरे हाथों से खुश नहीं थे, इसलिए कपों ने मेरे हाथों से कूद कर आत्महत्या कर ली। हाँ माँ जी, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। करछी चम्मच मेरे संभाल में नहीं आ रही थी, दाल पर नजर दौड़ा रही थी तो रोटी कोयला बनी जा रही थी। इतने पर लीला गुस्से से गरजती हुई जैसे रसोई घर से निकलती है, फर्श पर लगे पोछे के कारण फिसल कर औंधे मुंह गिर पड़ती है। आए री मेरी कमर। ओहो माँ जी, बढ़ा दी ना मुझ बहू की मेहनत, अब फिर पोछा लगाना पड़ेगा मुझे। धत, अरे नास पीटी ऐसे लगाते हैं पोछा, पूरे घर में पानी पानी कर रखा है। अभी मेरे कदुआ फूट पड़ता तो क्या होता? अरे तेरे सास की समाधि यहीं बन जाती। तुम 5ों के पीछे सर खपाना खुरहा खच्चर से खेत चराने बराबर है। मेरे लाख मेहनत के बाद एक भी काम नहीं कर पा रही, तुम बहुएं बस बिगाड़ना जानती हो। सास का गुस्सा देख कर 5ों बहू के सब्र का बांध टूट जाता है। बस आसुमा, हम बहू हैं इस घर की, बाई नहीं। अरे ये तो गनीमत समझिए जो हम 5ों बहू का फर्ज निभाने की कोशिश कर रही हैं, वरना हम अपने घरों में हम 5ों बहनें खुद का हाथ पांव चलाकर पानी भी नहीं पीती थी। क्यों, वहां क्या कौन पीकर काम चला लेती थी? माँ जी, आप ना जब मुंह खोलेंगी उल्टा ही बोलेंगी। हमें काम करने की जरूरत इसलिए नहीं होती थी क्योंकि हमारे घर में आधे दर्जन नौकर की फौज थी। हमारी मानिए तो आप भी बाई ले आइए, क्योंकि ये चूल्हा चौका हमारे बस की बात नहीं।
नौकर की मांग करके पांचों बहू अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी रज्जू लीलावती से मिलने आती है। क्या बात है लीला बहन, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? पर पांच पांच बहुओं के रहते ये घर बार मंगार की दुकान में क्यों बदला है? यही तो सारा रोना है रज्जो। मेरी पांच बहुएं पनौती हैं, पनौती कहती है हमसे नहीं होगा काम, नौकर की डिमांड कर रही हैं। ये शहर की मॉडर्न बहू तेरी ही तमन्ना थी, इसलिए भाई की फरमाइश कर रही हैं। हाँ रज्जो, अब पल्ले पड़ रहा है, मॉडर्न बहू की बजाय बोर्डम बहू लाई होती तो नौकर की मांग नहीं करती। कोई नतीजा ना निकलने पर लीला बिजली नाम की एक नौकर को घर बुलाती है। माँ जी, ये कौन है? मेम साहब, मैं मेरा इंट्रो देती हूँ, मैं हूँ बिजली, आप सास बहू की नौकरानी बोले तो बाई। ये सुनकर पांचों बहू के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और पांचों अपनी फरमाइश देती हैं। बिजली, जरा जल्दी से मेरे लिए पास्ता बना दो, और मेरे लिए कॉफी, और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय। बरोबर, अभी बना कर लाती हूँ। ठहर जा बिजली, तुझे पगार मैं दूंगी, इसलिए पहले जाके मेरा नाश्ता बना। बिल्कुल नहीं बिजली, पहले तुम हमारा ऑर्डर पूरा करोगी। बिल्कुल नहीं बिजली, पहले बनेगा नाश्ता फिर पास्ता। खाने के खातिर सास बहू के बीच की बहसबाजी झुंझलाहट के साथ झगड़े का मोड़ ले लेती है। ये देखकर बिजली सास और पांचों बहू पर पिनकती हुई कहती है, आइला कितना लपड़ेबाजी है तुम सास बहू के बीच। देखो मेम साहब, मैं बाई है हलवाई नहीं, पहले ही 5,000 की पगार में झाड़ू कटका कर रही है मैं। एक बार में एक ही डिश पकाएगी, खाने का है तो बोलो, नहीं तो बिजली चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना इच मिलेगा। ये सुनकर सास बहू के चेहरे फीके पड़ जाते हैं और बिजली के गोल होने की बात से सभी कुसुर पुसुर करने लगती हैं। सोच क्या रही हो, इतने कम बजट में बाई मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ रश्मि सच कह रही है, मुश्किल से तो माँ जी ने नौकर रखा है, अगर बिजली चली गई तो ससुराल का तामझाम हमारे सिर आ गिरेगा। 2 मिनट बाद, हमें मंजूर है बिजली, तुम जो बनाओगी हम खुशी से खा लेंगे, बस तुम हम बहुओं के जीवन में अंधेरा करके गुल मत होना बिजली। ठीक है, अब काली पीली बटरिंग बातें नको करो मीम साहब। इस तरह बिजली के बाई बनकर आ जाने से काम को लेकर हुई सास और उसकी पांचों बहू की परेशानी खत्म हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।